so the first income that we discussed for business trust was interest the second annual income for a business trust is dividend now dividend became little complicated last year last year see a complicated cubana because government ne section 115 BAA. launch kiya. so what do you mean by 115 BAA? 115 में कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है 22 परसेंट प्लस 10 परसेंट सरचार्ज प्लस 4 परसेंट सेस इफेक्टिवली 25 परसेंट के आसपास जाता है वो 25.17 कुछ तो परसेंटेज है लेकिन हम लोग याद रखेंगे 22 परसेंट से और हमको याद रखना पड़ेगा सर ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी डबल रेट ऑफ टैक्स है इसके लिए अभी डिविडेंड में दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं टू सिचुएशन एंड क्योंकि ये दो सिचुएशन अभी रिसेंट अमेंडमेंट में आया हुआ है तो यू हैव टू स्टडी इट वेरी नाइसली क्योंकि एग्जाम में इसमें का कुछ भी सिचुएशन वो लोग पूछ सकते हैं वेरी मच एक्सपेक्टेड ठीक है तो एसपीवी हुआ ऑप्टेड फॉर सेक्शन वन डबल हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी डबल और दूसरा वाला सिचुएशन है एसपीबी हुआज नॉट ऑप्टेड फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी डबल ए अब गेम देखो यहां पे कैसा है ठीक है ना गेम देखो यहां पे कैसा है इधर नो टाइप करना रह गया पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि गवर्नमेंट बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगा कि डिस्करेज करेगा ये बताओ पहले पहले अपना इंटेंशन क्लियर कर लेते हैं बिजनेस ट्रस्ट में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इनकरेज करेगा डिस्करेज करेगा हमें बता रहे इनकरेज करेगा वेरी गुड अमय क्योंकि ये जो है ये कंपनी रीट में पैसे लगाती है या इनविट में पैसे लगाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली डेफिनेटली गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को इस इस टाइप एंटिटीज को एनकरेज करेगा एनकरेज करना है मतलब उनको टैक्स एक्सम्पन रखना है टैक्स एक्जम्पन मतलब ही तो ना इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेगा जब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी क्योंकि यहां पे टैक्स सेविंग हो जाएगा तो हमारा

डिविडेंड के ऊपर यूनिट होल्डर टैक्स नहीं भरता ये अपोजिट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इतना क्लियर है बताओ ये क्यों क्योंकि गवर्नमेंट इनकरेज कर रहा है इन्वेस्ट करो बिजनेस ट्रस्ट में पैसा इक्विटी में लगाओ बहुत अच्छा रहेगा आपका आगे जाके रिटर्न बढ़ जाएंगे तो ये आप लोगों को पहले क्लियरली माइंड में रखना है अच्छा मैं क्या बोलता हूं सर यहां पे जो एसपीवी है ना इसने हंड्रेड एंड डबल ए का ऑप्शन नहीं लिया था मतलब ये नॉर्मल रेट पे टैक्स भरता है

और क्योंकि अभी एसपीवी कंसेशनल टैक्स दे रही है तो एसपीवी जो डिविडेंड देगी बिजनेस ट्रस्ट को वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो टैक्सेबल नहीं है लेकिन बिजनेस ट्रस्ट जो डिविडेंड देगी यूनिट होल्डर को वो हमने 115 यूए में टैक्सेबल रख दिया ठीक है ना और क्योंकि ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है एलबीए में उसका टीडीएस डिडक्ट कर देंगे तो देखो ये ये वाला चार्ट अभी इंटरेस्ट वाले चार्ट के साथ मैच हो रहा है ये वाला चार्ट आपका अगर एसपीवी ने ऑप्ट किया हंड्रेड एंड बी डबल तो ये चार्ट और इंटरेस्ट का चार्ट एग्जैक्टली सेम हो जाता है इसलिए फिर से मैं आप लोगों को एक बार पढ़ा देता हूं और एक बार पढ़ा देता हूं देखो होता क्या है इंटरेस्ट में मैंने क्या बोला था कि यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस बिजनेस ट्रस्ट ट्रस्ट में ट्रस लोन देगा एसपीवी को एसपीवी इंटरेस्ट देगा बिजनेस ट्रस्ट को विच इज एक्टेड और बिजनेस ट्रस्ट जो इंटरेस्ट कंपोनेंट यूनिट होल्डर को देगा यूनिट होल्डर के हाथ में यूएम टैक्सेबल हो जाएगा और एलबीएम में टीडीएस कट जाएगा सेम सिचुएशन आपको यहीं पर भी देखने मिलेगा एसपी यहां पे

हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी डबल लिया है मतलब इसने कंसेशनल रेट पे टैक्स भरा है क्योंकि एसपीवी ने कंसेशनल रेट पे टैक्स भरा यूनिट होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल कर दिया हमने ये बात समझो अगर अगर एसपीवी ये ऑप्शन नहीं लेती हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी डबल ए का ऑप्शन एसपीवी अगर नहीं लेती तो यूनिट होल्डर के हाथ में भी ये नॉट टैक्सेबल हो जाता है मतलब डबल एग्जम्पशन मिल जाता है अगर एसपीवी पी हाइयर रेट पे टैक्स भर देती है एसपी भी अगर हाईर रेट पर टैक्स भरती दिए तो यूनिट होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड इनकम है वो एग्जेप हो जाता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो मुझे पूछो इमीजिएटली मैं पॉज कर रहा हूं यहाँ पे। अब नेक्स्ट इनकम जो है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू रेट अभी तक हमने जो इनकम की बात की इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वो दोनों को एप्लीकेबल होता है लेकिन रेंटल इनकम जो है ना देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से आपको रेंटल नहीं आता आपने अगर रोड बनाया तो रोड में से रेंट नहीं आता तो जो जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट स्मार्ट स्मार्ट टाउन ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज है उसमें से रेंटल का इनकम आता है तो देखो यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में रीट में खाली ठीक है ना रीट इन्वेस्ट करता है रियल इस्टेट में डायरेक्टली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है रियल स्टेट में से वो लोग रेंटल कमाते हैं रेंटल कमाते हैं तो यहाँ पे टीडीएस नहीं लगना चाहिए यहां पे नो no टीडीएस है वो श्रिंक हुआ है बॉक्स ठीक है सर नो no टीडीएस क्यों क्योंकि ये एग्जाम अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी नया सेक्शन अभी तक जो डिविडेंड और इंटरेस्ट एग्जेम हो रहा था वो टेन ट्वेंटी में हो रहा था एफ अभी ये एफसी में फेलो चार्टेड अकाउंटेंट ऐसे मैंने याद रखा है ठीक है ना एफ में ये एग्जेम हो जाता है

बिजनेस ट्रस्ट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो ऑब्वियसली बिजनेस ट्रस्ट खुद टैक्स भरेगा 15 परसेंट पे ये शेयर मार्केट का रेट है अगर उसको नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको पता है 1 -1 में विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट का रेट चलता है अगर रेट को खुद को शॉर्ट टर्म कैपिटल एस्टिटी पेड़ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से लिस्टेड सिक्योरिटीज में से तो टेन परसेंट पे टैक्स होगा अबाव वन लाख रुपए जैसे नॉर्मल सबको टैक्सेबल होता है और अगर कोई और इनकम अगर रीट कमाता है एनी अदर जनरल इनकम बिजनेस इनकम वगैरह कुछ भी अगर रीट कमाता है तो एम एम पे टैक्स होता है एमएमआर आज की तारीख में चालू है थर्टी परसेंट प्लस थर्टी सेवन परसेंट का सरचार्ज प्लस फोर परसेंट का सेस बहुत हाई रेट चालू है एमएमआर का फोर्टी टू पॉइंट कुछ तो आता है तो ये एमएमआर का रेट है यहाँ पे सर ये ऐसे चलता है तो अभी सर अदर इनकम का ऑपरेशन कैसे होगा अदर इनकम मतलब या तो एसपीवी में या तो असेट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया होगा यूनिट होल्डर ने रीट में इन्वेस्ट किया रीट ने डायरेक्टली में इन्वेस्ट किया तो अदर इनकम जो रीट कमाएगा अभी सुनो बहुत इंपॉर्टेंट अदर इनकम जो रीट कमाएगा रीट के हाथ में टैक्सेबल है अभी अभी मैंने आपको टैक्स के रेट बताए जो जनरली टैक्सेबल होता है जो नॉर्मल स्पेशल इनकम है स्पेशल रेट और जो जनरल इनकम है वो एम एम आर अब रीट ने एम एम आर पे खुद टैक्स भरा हुआ है रीट ने खुद टैक्स भरा हुआ है ऑब्वियसली यहाँ पे जहां पे भी टीडीएस लगेगा लग जाएगा क्योंकि रीट के हाथ में इनकम टैक्सेबल है अब रीट ये जो इनकम है या ये जो है, जो बिजनेस ट्रस्ट इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्स देगी यूनिट होल्डर्स को 1023 MD, नया सेक्शन आ गया 1023 में यूनिट होल्डर के हाथ में एक्सम्ड हो जाएगा और क्योंकि ये यूनिट होल्डर के हाथ में एक्समट है वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा ठीक है ना तो ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर मीन मैक्सिमम बेसिक चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट दिस इज हाउ इट वर्क्स अभी मैं आप लोगों के मॉडल में से पढ़ता हूं क्योंकि वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है आपके मॉडल ने उसको बहुत ही कंसाइज करके रखा हुआ है तो जितना आपके मॉडल में मैं उतना आप लोगों को पढ़ाऊंगा ठीक है चलो आगे चलते हैं अभी आपके में जो भी लिखा है लाइन लाइन बाय आप आप लोगों को पढ़ाता हूं आपको कहीं डाउट होगा तो आप पूछ लेना जनरल डिस्कशन हो गया मेरा बिजनेस ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी रेगुलेशन एंड यूनिट्स ऑफ विच आर रिक्वायर टू बी लिस्टेड ढूंढ तो तो लो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या क्या होता है इंटरेस्ट एक्सम्ड होता है डिविडेंड एग्जम होता है रेंट इनकम एग्जाम होता है ये तीनों के तीनों इसके हाथ में एक्समट होते हैं इसके अलावा अगर कोई इनकम कमाया तो वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होता है इतना आप लोगों को याद रखना चाहिए सर इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन इंटरेस्ट कमाएगा वो एक्सम क्योंकि पास थ्रू लगेगा अल्टीमेटली यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा डिविडेंड फ्रॉम द स्पेशल पर्प व्हीकल वो भी किसके हाथ में टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर के तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एक्ट सो स्पेशल मीन एन इंडियन कंपनी विच इन विच बिजनेस ट्रस्ट कंट्रोल्स इंटरेस्ट ओके इट इज हैविंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब मेजर स्टेक उसके पास है एंड एनी स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द शेयर होल्डर और इंटरेस्ट आज में बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन अंडर विच इट इज ग्रांटेड ठीक है तो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से वो बनेगी कुछ नहीं

और उसके रेट जो एलबीए में दिए गए उस रेट के हिसाब से आप लोगों को डेढ़ा करना पड़ेगा उसका एक अलग से टेबल है वो देख लेंगे टेबल हम ठीक है ना रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सर ये खाली रेट की बात यहाँ पे अभी रेंट की बात की जाएगी रेंट ठीक है ना सर एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बीग अ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाई रेंटिंग और लीजिंग और लेटिंग मतलब रेंट

मेरे यहां पे कैल्सी है क्या इधर तो फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर ठीक है अब देखो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा बाबा यूनिट होल्डर के हाथ में वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में था इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट ये उनके हाथ में टैक्सेबल होगा डिविडेंड नहीं होगा अगर डिविडेंड नहीं होगा अगर एसपीवी ने हमारा हंड्रेड एंड फिफ्टी का ऑप्शन नहीं लिया होगा तो ठीक है ना देख लेते हैं एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्ड अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टी यूए खाली प्रपोर्शन बोलता है हंड्रेड एंड फिफ्टी यूए रिस बाई यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट नॉट बीइंग दैट दपोर्शन ऑफ द इनकम विच विच

ये तीन इनकम छोड़ के कौन से तीन इनकम डिविडेंड इंटरेस्ट और रेंटल छोड़ के बाकी और कोई भी इनकम आपके हाथ पास आ जाए वो हमने एक्सम करके रखा क्यों क्योंकि सर ये अदर इनकम है ना ये तो अदर इनकम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल हो गया तो ये हमारे हाथ में हो गया तो ये एकदम सिंपल सी बात है ये बात हुई एफ एफडी की ठीक है ना ये बात हुई टेन एफडी की आगे जाता हूं मैं एनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ए बिजनेस ट्रस्ट टू यूनिट होल्डर शाल बी डीम टू बी द सेम ने सेम प्रपोर्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में आए Unit trust आपको एक लाख दो लाख पांच लाख देगा तो उसका proportion वो बना के देगा, एक statement आपको देगा, statement में बताया जाएगा कि लाख रुपए में का interest है, rental है, आ, capital gain है, वो bifurcation उनको देना पड़ेगा। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट शुड बी ऑफ सेम एंड इन द सेम प्रपोर्शन इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर अक्रूडेड इफ इन एनी प्रीवियस एनी undistributed इनकम

जो यूनिट होल्डर है उनको तीस दिन तो ही जाना पड़ेगा और इनकम टैक्स को ही तीस नवंबर तक आपको सबमिट स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी ताकि यूनिट होल्डर और इनकम टैक्स दोनों को पता रहे कि क्या प्रपोर्शन में आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है आगे उन्होंने क्या बोला है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ये देखो एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बिंग शेयर ऑफ एसपी बी ये जब एक्सचेंज होता है उसकी बात करेगा टू द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट

डिसाइड इट होल्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एलिटेड एसपी बन जाएगी एज इंडियन एसपीवीडियल अंडर तो ये करोड़ में देखो इसका इनकम रेंटल इनकम तुम मुझे बताने का थोड़ा ट्राई करो रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रोपर्टी डायरेक्टली ओन बाई डी एफ बताओ क्या बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये टैक्सेबल होगा कि एक्सम्ड होगा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये टैक्सेबल होगा कि एक्समट होगा जल्दी बोलो रेंट अरे जल्दी जल्दी बोलो पास थ्रू स्टेटस है ना उसको खाली अमय और सोमनाथ ने रिप्लाई दिया दोनों का रिप्लाई राइट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली ओन बाई डी एफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल गेन है कैपिटल गेन के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं था तो इसको क्या करेंगे हम

इंटरेस्ट एलिमिटेड एग्जाम हो जाएगा सर ठीक है ना अब इसने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएफ डिस्ट्रीब्यूट फिफ्टी करोड़ टू तो इट्स यूनिट होल्डर्स ये 50 करोड़ के पचास करोड़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इज द वन ऑफ यूनिट होल्डर एक्स इज द वन ऑफ यूनिट होल्डर एंड ही टेन परसेंट शेयर तो पांच उसको करोड़ मिला होगा टोटल पचास करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसको पांच करोड़ मिला होगा कंप्यूट द इनकम इन द हैंड्स ऑफ डीएफ एंड एक्स चलो फटाफट डीएफ का पहले देख लेते हैं

इसको ट्वेंटी परसेंट पे करेंगे इसको फिफ्टीन परसेंट पे करेंगे इसको एम एम आर पे करेंगे ठीक है ना इतना याद रखो आप लोग सर, अभी हमें इनकम निकालना है वाई के हाथ में मिस्टर एक्स के हाथ में, जो भी मिस्टर था तो टोटल उसको पांच करोड़ मिला होगा अब उसने जो पांच करोड़ कमाया ना सुनो मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे इसने जो पांच करोड़ कमाया वो इसके सात करोड़ में से था सेवन करोड़ का भी एक कंपोनेंट मिला होगा उसको टू करोड़ का भी एक कंपोनेंट मिला होगा उसको 2 करोड़ का भी एक कंपोनेंट मिला होगा, होगा एंड थर्टीन करोड़ में से थोड़ा थोड़ा मिला होगा ना सेम प्रपोर्शन सेम नेचर याद आ रहा है क्या वर्डिंग इस पचास करोड़ में से जो आपने पांच करोड़ उसको दिए इसमें ये सारे सारे इनकम का कंपोनेंट होगा ना मिस्टर एक्स के हाथ में मिस्टर एक्स के हाथ में सारा है थोड़ा थोड़ा होगा प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा आपको तो कैसे निकालेंगे सर तो ये ऊपर जो नंबर दी है ना यही प्रपोर्शन है ये जो नंबर ना यही प्रपोर्शन है सेवन डिवाइड बाई फिफ्टी ट्वेंटी डिवाइडी आपके मॉडल ने शायद यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है कैलकुलेशन एरर ये डिवाइड डिवाइड नहीं एर यिफ्टी होना चाहिए जरा करके देखो फाइव इंटू सेवन डिवाइड बाय फिफ्टी करके देखो ये गलत है फिफ्टी होना चाहिए या तो इसका टोटल रॉन्ग है फिर या तो इसका टोटल ये तो ठीक ही लग रहा है मुझको ये फिफ्टी ये फिफ्टी होना चाहिए फिफ्टी है ठीक है थोड़ा उनका चलते रहता आपके मॉडल को माफ कर दो ठीक है तो रेंटल इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल इंटरेस्ट यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल बाकी जो तीन इनकम है यूनिट होल्डर के हाथ में एकजाम बोलो बेसिक समझ में आया जल्दी बोलो क्या टैक्सेबल क्या एग्जाम ये समझ में आया क्या ठीक है बस हो गया आपके सिलेबस में इतना ही दिया वो लोगों ने

जल्दी लिखो जल्दी लिखो रिप्लाईनिट हो टेन ट्वेंटी और यूनिट होल्डर के हाथ में एक्जम्ट हो जाएगा ठीक है इंटरेस्ट रेसिड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल स्टेट कंपनी टेन लाख अदर इनकम ये ठीक है ना इंटरेस्ट इनकम है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एमएमआर पे टैक्स होगा यूनिट होल्डर के हाथ में एक्जम्ट हो जाएगा रेंटल इनकम डायरेक्टली ओन रियल स्टेट ये वाला बताओ बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जम्ट हो जाएगा और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा चलो ठीक है देखो इन्होंने ऐसे कंपेरेटिव एनालिसिस करके है इंटरेस्ट इनकम फोर करोड़ इंटरेस्ट इनकम का क्या होगा देर वुड बी नो टैक्स लाइबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट टेन ट्वेंटी थ्री एफ लग जाएगा यहां पे टैक्स नहीं लगेगा ठीक है ना और डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा और क्योंकि उसके हाथ में टैक्सेबल है सेम प्रपोर्शन में बिजनेस ट्रस्ट जब ये पैसे देगा तो टीडीए डिडक्ट करेगा एलबीए में टीडीए डिडक्ट करेगा एलबीए में ठीक है ना कितना सर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इंटरेस्ट कंपोनेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर 7. पहले, 10 था अभी वो कोविड के सिचुएशन में उन्होंने रेट कम करके 5 किया है और इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर एनआरएफसी ने लगाया होगा तो नॉन रेसिडेंट लगाया होगा तो ये फाइव परसेंट लगता है उसका रीजन है एनआर टैक्सेशन में इसके रीजन लिखे हुए आपको समझेंगे थोड़े थोड़े ठीक है ना आगे जाऊंगा तब इंटरेस्ट कंपोनेंट निकालने का फॉर्म्यूला उन्होंने दिया प्रपोस्ट नेट हो ठीक है ना जितना आपने प्रपोशन लिया उतना निकालना पड़ेगा यूनिट होल्डर के हाथ में टू करोड़ का आपका बीटा लिमिटेड का डिविडेंड इनकम है

being a SPV does not opt for 115 BAA. Dividend component is exempt in the hands of unit holder. Dividend be exempt हो गया. चलो अच्छी बात है. तो उन्होंने वो dividend को निकालना का यहाँ पे formula लगा दिया है. Short term capital gain जो था, short term capital gain unit holder के हाथ में tax sorry business trust के हाथ में taxable होगा at the rate of 15 percent. और ये exempt हो जाएगा unit holder के हाथ में 1023 FD में. ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पे एम पे टैक्स होगा देखो एमएमआर पे टैक्स होगा यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्ट हो जाएगा ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये भी, ये भी भी यहां पे एमएमआर पे टैक्स होगा एमएमआर पे टैक्स होगा यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जम्ट हो जाएगा रेंटल इनकम का देख लो रेंटल इनकम यूनिट होल्डर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टेन ट्वेंटी थ्री एफ सी ए लगेगा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और क्योंकि ये टैक्सेबल है यहाँ पे टीडीएस भी काटा जाएगा 194 में टीडीएस भी लगेगा इत, ऐसे चलता है इसका सिक्वेंस आपको थोड़ा बहुत तो समझा होगा एक दो क्वेश्चन इसके नीचे मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर देता हूं आप लोग आराम से बैठ के पढ़ लेना कोई डाउट होगा तो पूछ लेना लेस देन वन मिनट है आराम से एक पांच नहीं दस मिनट पांच कितना दो पांच मिनट ब्रेक दो की क्या करूं